हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसी सुपर रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि हमारे बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। उनका वेट गेन करने के लिए बहुत जरूरी है, और वेट गेन भी वो जो हेल्दी वेट गेन होता है, हेल्दी फैट होता है, उसके लिए वो बहुत ही फायदेमंद है। अभी ये एक ड्राई फ्रूट के पाउडर की रेसिपी है जो कि हमारे बच्चे छोटे होते हैं, हम उनको ड्राई फ्रूट नहीं दे पाते हैं, तो उनको किस तरीके से हम ये ड्राई फ्रूट्स दें जिससे कि उनकी बॉडी को न्यूट्रिशंस मिले, इसके लिए मैंने एक पाउडर बनाया है। और इस पाउडर को बनाना बहुत ही इजी है, तो चलिए हम ये स्टार्ट करते हैं कि ये पाउडर कैसे बनाना है। ड्राई फ्रूट पाउडर बनाने के लिए हमें चाहिए बादाम, काजू, मखाने। अब हम एक पैन लेंगे और हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे। ये हमें ड्राई रोस्ट करने हैं। ये मैंने बादाम डाल दिए हैं और मैंने काजू डाल दिए हैं। अब इनको ड्राई रोस्ट करना है। अब ये देखिए रोस्ट हो गए हैं। मैंने इसमें हल्का सा घी डाल लिया था। अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब ये मैं निकाल लेती हूँ। घी की मात्रा बहुत कम रखनी है हमें। और अब हम इसमें वापस से मखाने फ्राई करते हैं, जिसके लिए मैंने एडिशनल घी नहीं डाला है। अब हमारे मखाने भी रोस्ट हो गए हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ कर लेते हैं और इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। आप चाहें तो इसमें और ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। आप इसमें पिस्ता ऐड कर सकते हैं, वॉलनट्स ऐड कर सकते हैं। अब इन ड्राई फ्रूट्स को मैंने क्रश कर लिया है। अब इसको क्रश करके हम ग्राइंड कर लेंगे एक मिक्सर में डालकर। अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। ये पाउडर हमारा पिस चुका है। मैंने इसको थोड़ा दरदरा रखा है। अब आप देखेंगे ये पाउडर कुछ ऐसा तैयार हुआ है। अब इसको आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर में बंद कर लीजिए और इसको आप स्टोर रख सकते हैं जब तक कि आपका ये यूज नहीं हो पाता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा पाउडर हमारा तैयार हो गया है। अभी इस पाउडर को आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, और जब भी आपको अपने बेबी को कुछ खिलाना है, जो भी आप फूड बच्चे को दे रहे हैं, अगर आप उसको दूध दे रहे हैं तो आप उसको दूध में मिलाकर दे दीजिए। अगर आप कोई खीर बना रहे हैं, खीर में मिलाकर दे दीजिए। जैसे भी आप उसके लिए कुछ भी मीठा फूड बनाते हैं, आप उसमें ये डालकर दे सकते हैं। और जब आपका बच्चा 8 मंथ का हो जाए, उसके बाद ही आप ये बच्चे को दीजिएगा, उससे पहले मत दीजिएगा। और ये बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, उसकी ग्रोथ के लिए, उसके माइंड डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि कहते हैं कि बादाम खाने से माइंड बहुत शार्प होता है। और इसके साथ साथ हमारी बॉडी को, बच्चे की बॉडी को जो न्यूट्रिशंस मिलते हैं वो भी उसको इससे मिल जाते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए जिससे मेरे वीडियोज़ मिल पाएँ। साथ साथ ये सभी को शेयर कीजिएगा। जैसे हमारे बच्चों के लिए ये बेनिफिशियल है, वैसे बाकी सब माँ के बच्चों के लिए भी ये बेनिफिशियल हो, वो लोग भी इसका यूज़ कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ।